आज हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज हम चौथी वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में और जो पहले की जो मेरी सारी वीडियो हैं उनमें मैं अपना पर्सनल इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं पेपर वाइज और पार्ट वाइज। तो आज हम बात करेंगे पेपर बी की, जिसके मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं। उसके भी दो पार्ट होते हैं, पार्ट वन एंड पार्ट टू। पार्ट वन एब्डोमेन प्लस पेल्विस और पार्ट टू में थोरेक्स, लोअर लिम्ब और जेनेटिक्स आते हैं। तो पार्ट वन में मैक्सिमम मार्क्स 50 हैं और उसमें भी तीन पार्ट होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, क्लिनिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन होता है और शॉर्ट नोट होते हैं। तो हम बात करें शॉर्ट नोट की। शॉर्ट नोट में हिस्टोलॉजी पे शॉर्ट नोट आ सकता है, एम्ब्रियोलॉजी पे आता है और ग्रोथ एनाटॉमी पे आता है। तो हिस्टोलॉजी में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एब्डोमेन और पेल्विस के, उसमें है स्प्लीन, स्प्लीन की हिस्टोलॉजी, माइक्रोएनाटॉमी एंड स्प्लीन, पेंक्रियाज, स्टोमक, एड्रिनल ग्लैंड, ओवरी, यूट्रस, अपेंडिक्स और लिवर। तो स्प्लीन, पेंक्रियाज, स्टोमक, एड्रिनल, ओवरी, यूट्रस, अपेंडिक्स एंड लिवर, इनमें भी जो सबसे ज़्यादा मेरी तरफ से इम्पोर्टेंट है वो है स्प्लीन, पेंक्रियाज और एड्रिनल ग्लैंड। उसके बाद जो मॉडरेटली इम्पोर्टेंट है, जो हिस्टोलॉजी में जो मॉडरेटली इम्पोर्टेंट है, उसमें है गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, टेस्टिस, वेजाइना एंड फेलोपियन ट्यूब। स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए नहीं डालना क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में 2019 बैच में फाइनल में और सप्ली में दोनों में आ गया है, तो इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने हटा दिया है। तो मॉडरेटली इंपॉर्टेंट में गॉल ब्लैडर है, लार्ज इंटेस्टाइन, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, टेस्टिस, वेजाइना और फेलोपियन ट्यूब। और ओवरऑल हम इसमें से भी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट देखें तो स्प्लीन है, पैनक्रियाज है, एड्रिनल ग्लैंड है और किडनी है। दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड्स फॉर एब्डोमिन एंड पेल्विस। यूरिनरी ब्लैडर को भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी डेवलपमेंट में कौन सा क्वेश्चन आएगा। डेवलपमेंट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है किडनी, डेवलपमेंट ऑफ किडनी, किडनी का डेवलपमेंट भी लिखा है, आपको उसकी एनामलीज भी लिखनी है। जब भी एम्ब्रियोलॉजी का क्वेश्चन होगा आपको उसके साथ साथ उसकी एनामलीज भी लिखनी होती है। डेवलपमेंट का आप डायग्राम ड्रॉ करोगे और किससे डेवलप हो रहा है उस पार्ट के बारे में लिखोगे और उसके बाद एनामलीज लिखनी है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ अटेम्प्ट नहीं करना है। उसके बाद किडनी, लीवर और पैनक्रियाज का डेवलपमेंट, ड्यूडेनम, मिकल्स कार्टिलेज, एलेंटोइस, योग सैक और प्लासेंटा। इनमें भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो प्लासेंटा है, मिकल्स कार्टिलेज है और डेवलपमेंट ऑफ किडनी एंड लीवर। उसके बाद मॉडरेटली इम्पोर्टेंट टॉपिक, उसमें डेवलपमेंट ऑफ ओवरी एंड टेस्टिस, यानी कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट, रोटेशन ऑफ गट ये आ चुका है तो इस पर ज़्यादा हमें फोकस नहीं करना है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद स्टोमक, स्प्लीन और ये दो इम्पोर्टेंट हैं, डोर्सल मेजेंट्री एंड वेंट्रल मेजेंट्री, कई बार इनके डेरिवेटिव आते हैं, वट आर ड्राइव फ्रॉम डोर्सल मेजेंट्री एंड वेंट्रल मेजेंट्री। तो इन सब में अगर हम डेवलपमेंट पर फोकस करें तो सबसे ज़्यादा फोकस किडनी का है, मिकल्स कार्टिलेज, लीवर, प्लासेंटा और योग सैक, डोर्सल वेंट्रल मेजेंट्री और ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डेवलपमेंट। तो मेन ये डेवलपमेंट के क्वेश्चन होंगे। तो उसके बाद अगर हम ग्रोथ पे चले, ग्रोथ एनाटॉमी में, तो ये दीज आर द मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ग्रोथ एनाटॉमी, यानी कि जो एब्डोमेन और पेल्विस है वो बहुत ही वास्ट स्टेबल सिलेबस है, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, उसमें से ये पिकअप करना बड़ा मुश्किल काम था। फिर भी मैंने जो अपनी तरफ से निकाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ये आपको पढ़ के ही पढ़ के जाने हैं, इनको आप नहीं छोड़ सकते हो। तो ये हैं रेक्टस सीट, इनगुइनल हर्निया, इनगुइनल कैनाल और इसका मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ एनल कैनाल, ग्रेटर सैक, लेसर सैक, हिपेटोरिनल पाउच और एपिकुलर फोरामेन। इन तीनों में से आपको एक क्वेश्चन, वन क्वेश्चन मिल जाएगा।
क्योंकि पिछली बार आया था ग्रेटर सैक, ग्रेट रोमेंटम और लेसर रोमेंटम में से, तो इस बार ग्रेटर सैक, लेसर सैक, पेटोरिनल पाउच और एपिकुलरिक फोरम। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पोर्टल केवल एनस्मोस का है, इसमें शायद क्लिनिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन भी आ जाए। पोर्टल केवल एनस्मोस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिम्फेटिक ड्रेनेज और ब्लड सप्लाई ऑफ स्टोमक, स्टोमक बेड, स्टोमक के दो ही क्वेश्चन होते हैं, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ स्टोमक और ब्लड सप्लाई ऑफ स्टोमक। उसके बाद सीलिएक ट्रंक और सीलिएक प्लेक्सस। किडनी का ब्लड सप्लाई इंपॉर्टेंट है, उसका फेसिया इंपॉर्टेंट है किडनी का, और ब्लड और मेनली ब्लड सप्लाई फेसिया किडनी की इंपॉर्टेंट है। पोस्टीरियर रिलेशन जो पहले आता था पहले करिकुलम में वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब न्यू करिकुलम के हिसाब से ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फेसिया ऑफ किडनी और ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी। उसके बाद जे जी अपरेटस इंपॉर्टेंट है, ये आपके फिजियोलॉजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एनाटॉमी के लिए भी। उसके बाद ड्यूडेनम। फिर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है, डिफरेंस बिटवीन सुपरफिशियल एंड डीप पेरिनियल पाउच, ये आपको बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद पेनक्रियाज इंपॉर्टेंट है, बेसिकली पेनक्रियाज की ब्लड सप्लाई और इसके रिलेशन। रूट ऑफ मेजेंट्री, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको बताना है कि कहाँ से कहाँ तक जाती है रूट ऑफ मेजेंट्री और किन किन स्ट्रक्चर्स को ये क्रॉस करती है, उसका आपको बेसिकली डायग्राम बनाना है। उसके बाद अपेंडिक्स, अपेंडिक्स की बेसिकली पोजिशन ऑफ अपेंडिक्स पर मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, पोजिशन और अप्लाइड पे कि इसका रेफर पेन कहाँ होता है, तो ये अपेंडिक्स में मेनली अपेंडिक्स में पोजिशन और अप्लाइड पे क्वेश्चन आता है। एनल कैनाल का इंटीरियर पे क्वेश्चन आता है, और उसके बाद पेल्विस में मेल और फीमेल पेल्विस का डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद ब्रांचेज ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी, एक आर्टरी आपकी आती है तो एब्डोमेन में, या तो एब्डोमेन आयोटा आएगी या फिर वेना कावा आएगी, या फिर ब्रांचेज ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी जो आती है। यूट्रस इंपॉर्टेंट है, हमेशा हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है यूट्रस, तो बेसिकली इसके यूट्रस के स्पोर्ट्स ऑफ यूट्रस और लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ यूट्रस। उसके बाद इस्टोरेक्टल फोसा, ये तो सभी को पता होता है, एक पढ़ना है इस्टोरेक्टल फोसा, इसी में पुडेंडल कैनाल होता है, आपको पुडेंडल कैनाल भी पढ़ना है। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, तो आप इसे पढ़ लेना, कई बार ये पूछ लेते हैं अगर पेपर हार्ड हो तो इसे डाल देते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स इंपॉर्टेंट है, पेरिनियल बॉडी और ब्रॉड लिगामेंट, कंटेंट्स ऑफ ब्रॉड लिगामेंट, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इनमें से भी अगर हम सिलेक्टिव होना चाहे बिल्कुल सिलेक्टिव, तो रेक्टस सीक, ग्रेटर सैक और लेसर सैक, पोर्टल केवल एनास्टमोसिस, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ स्टोमक, रूट ऑफ मेजेंट्री, स्पॉट्स ऑफ यूट्रस, इस्टोरेक्टल फोसा, दीज आर द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मॉडरेटली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन मेरी तरफ से ये मॉडरेट समझ रहा हूँ मैं अपनी तरफ से, तो इसमें टेस्ट की जाए स्कोटम, स्प्रोमेटिड कोड, इन पे नोट है सारे। पेनिस का टीएस है और इसकी नर्व सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है पेनिस की। उसके बाद बिलरी अपरेटस, इन्फीरियर वेना कावा, एब्डोमिनल एओर्टा, कंस्ट्रिक्शन ऑफ यूट्रस में यूरेटर, कंस्ट्रिक्शन ऑफ यूरेटर, यूरेटर, कंस्ट्रिक्शन ऑफ यूरेटर, ब्लड सप्लाई ऑफ लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, इन दोनों में डिफरेंस, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में डिफरेंस, ओवरी बेसिकली लिगामेंट्स ऑफ ओवरी एंड ब्लड सप्लाई, लंबर प्लेक्सस, यूरोजेनाइटल ट्रायंगल और पेल्विक डायग्राम, दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम फिर से समअप करें सारा जो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अगर हम हिस्टोलॉजी की बात करें, स्प्लीन, पेनक्रियाज और एड्रिनल ग्लैंड और किडनी, डेवलपमेंट में किडनी, किडनी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनेमलीज एंड डेवलपमेंट ऑफ किडनी, लीवर और पेनक्रियाज और विक्कल्स कार्टिलेज और प्लेसेंटा और योग सैक। उसके बाद ग्रोस एनाटॉमी वेक्टर सीट है, पोर्टल केवल एनास्टोमोसिस है, ग्रेटर और लेसर सैक है, ब्लड सप्लाई एंड ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी, रूट ऑफ मेजेंट्री, ब्रांचेज ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी, यूट्रस के स्पॉट और लिम्फेटिक ड्रेनेज, इस्टोरेक्टल फोसा, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स और वहाँ से ब्रांचेज ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और फिर आपसे एक बार और आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ कि ये जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये पढ़ने ही पढ़ने हैं, अगर आपको ये पढ़ के ही जाना है, बाकी सब आपको अपने हिसाब से करना है, जो आपके टीचर्स बता रहे हैं, जो आपके कॉलेज में बताए गए हैं, लेकिन ये मेरी तरफ से है कि आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से आने चाहिए, और मैं आप सभी स्टूडेंट को एग्ज़ाम
कमिंग अपकमिंग एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक बोल रहा हूँ, ताकि आप अच्छा करें और पास हो। थैंक यू सो मच।